हेलो फ्रेंड्स, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं पोटैटो चीज की बहुत सुंदर सी सैंडविच की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। और इसे क्या है ना, मैं बिना तेल का बनाऊंगी बहुत हेल्दी तरीके से, और हेल्दी ब्रेड का इस्तेमाल करूंगी। देखे कैसे बनाती हूँ। मैं एक बड़ा सा बॉल ली हुई हूँ और इसमें 3 उबला हुआ आलू ली हुई हूँ। और ये आलू जो है ना, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा, जो थोड़ी हल्की कड़क हो, जो मैश करने में आसानी से मैश हो जाए, इस तरह का आलू उतना ही उबला हुआ चाहिए। और ये आलू मैं 3 ली हूँ, और इस 3 आलू को क्या अच्छे से छील लीजिएगा। और फिर बढ़िया से देखिए, मैं जैसे छीली ना, इस तरह से बाकी आलू को छील लीजिएगा। मैं इसी तरह से इसे छील ली हूँ और दिखा रही हूँ, ये देखिए। और इसमें मिर्च थोड़ा मोटा हरी वाली जो है वो डाल रही हूँ, अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। और आधा प्याज ली हूँ, इसको बारीक ही काट ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ, देखिए इस तरह से। और धनिया पत्ती जो आती है, अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिएगा, जितना आपको पसंद आता है। मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती भी देखे डाल दी, आधा टमाटर इसको भी बारीक ही डाल दी हूँ, और नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं फास्टिंग नमक खाती हूँ, वही डाल रही हूँ। और यहाँ मिर्च पाउडर भी मैं स्वाद अनुसार डाल दी। अरे क्या, स्पून से अच्छे से नहीं मिलती, इसको क्या है ना, हाथ का इस्तेमाल करिएगा ना, तो बहुत सुंदर से आलू मैश होगी सब चीज़ में। और इसका हमें क्या है ना, चोखा टाइप बनाना है, बढ़िया से इसको सब चीज़ मिल जाना चाहिए, देखिए इस तरह से। और इसको बनाने के बाद साइड कर देना है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं आटा ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपका जैसा ब्रेड पसंद आता है उसका इस्तेमाल कीजिए, और ये थोड़ी हेल्दी होती है, इसलिए मैं थोड़ा आटा ब्रेड ही इस्तेमाल करती हूँ। और सेजवान सॉस ना, आधा से 1 चम्मच, या जितना आपको तीखा अच्छा लगता है उस हिसाब से इसमें डाल के बढ़िया से ब्रेड में स्प्रेड कर दीजिए। मैं घर का ही बना खाना पसंद करती हूँ, तो मैं घर में ही ज़्यादा बना लेती हूँ, मेरी होम मेड ही है। इसको देखिए डाल के बढ़िया से मैं स्प्रेड कर दी हूँ ब्रेड में इस तरह से। और इसमें डाइस चीज या मोजरेला चीज, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको चीज को सब इस ब्रेड के ऊपर डाल देना है, अच्छा से फैलाकर इसको अच्छे से दाब दीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इसको स्प्रेड कर दी, दाब दी, और ये जो आलू का चोखा बनाई हूँ इसको देखिए इस तरह से डालकर बढ़िया से स्प्रेड कर दीजिएगा इस तरह से। देखिए ये भी मस्त से स्प्रेड हो गई है, और चीज़ नीचे है, ऊपर आलू का मसाला है, ये बहुत अच्छी बनेगी। और इसमें चिली फ्लेक्स जो आता है ना, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, पिज्जा सीजनिंग डाल दीजिए या चाट मसाला डाल दीजिए, जो पसंद आता है डाल दीजिए। और फिर इसके ऊपर एक ब्रेड रख दीजिए इस तरह से। और इसको मैं सैंडविच मेकर में ही बना रही हूँ, उसको पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी, देखिए इस तरह से। और मैं एक साइड में बना रही, इसमें एक साइड ग्रिल वाली भी है, और इसमें अगर आप घी बटर तेल खाना पसंद करती तो इस पर लगा दीजिए। मैं बिना तेल घी बटर के ही बना रही हूँ, मुझे इसी तरह से अच्छी लगती है। मैं अपने लिए जो बनाती हूँ ना, तो इसी तरह से बनाती हूँ, अब बच्चों के लिए घी बटर डाल के बनाती हूँ। देखिए कितना अच्छा जल्दी बन गया, आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। इसको प्लेट में देखिए मैं इस तरह से निकाल ली हूँ, इसको साइड से काट देती हूँ बीचों बीच, आई काट दी, इसमें थोड़ा धनिया पत्ती टमाटर और ये सब डाल दी हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है। अगर इसका और ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो थोड़ा देर और रख दीजिएगा। और घी तेल बटर जो खाना पसंद करती तो आपको मैं बताई, ब्रश से थोड़ा लगा दीजिए वैसा खाइए, पर मुझे ऐसा ही सिंपल पसंद आता है, इसलिए मैं इसी तरह से खाती हूँ। देखिए कैसी बनी है ये सैंडविच, अभी मैं इसको और तोड़ के दिखाती हूँ, कितना अच्छा से इसमें जो चीज़ है ना, बहुत सुंदर से मेल्ट होती है। देखिए इस तरह से तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी ये चीज़ मेल्ट हुई है इस तरह से, बहुत मस्त होती है, इतना अच्छा लगता है खाने में ना, मैं क्या बताऊँ। और तेल तो इसमें है नहीं, देखिए कितना लंबा लंबा धागे की तरह टपक रही है इस तरह से। आप इस तरह से इसे बनाइए, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरे आलू चीज की सैंडविच रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।